इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जिसमें उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट की एडवाइस नहीं लेनी पड़ती और वो अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। नंबर वन, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपनी मर्जी से बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। एंड नंबर थ्री, प्रेसिडेंट किसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जब कोई भी सिंगल पार्टी स्टेट इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं सिक्योर करती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट की क्या पावर्स होती है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनका कितना टेन्योर होता है और किसी भी इंसान को गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी पावर्स और उनके ऑफिस से जुड़े सभी प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से 162 के अंदर। गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं बट वो बाउंड होते हैं एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वो एक्ट करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट एक लिंक होते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब जानते हैं गवर्नर अपॉइंट कैसे होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील। हर स्टेट के गवर्नर को नॉमिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, इसीलिए द रीजन इज उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का लिंक माना जाता है। एक सिंगल पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर टू और मोर स्टेट। आर्टिकल 157 और 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट अपॉइंट करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो मेंशन की गई है। नंबर वन, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर टू, उनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर थ्री, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होनी चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए। एंड नंबर फोर, ही इज नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी स्टेट के गवर्नर का टर्म नॉर्मली 5 ईयर्स का होता है बट सर्टेन कंडीशंस में उनको उससे पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है। नंबर वन, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अगर वो एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को गवर्नर के डिसमिसल का, तो उनको अपनी पोजीशन से टर्मिनेट किया जा सकता है। किसी भी गवर्नर के डिसमिसल के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए, किसी भी ऐसे अनवैलिड रीजन पे उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता। एंड अगर गवर्नर खुद ही अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दे तो भी उनका ऑफिस टर्मिनेट हो जाता है। अब जानते हैं गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी है। डिस्क्रिशनरी पावर्स वो होती है जिसमें वो खुद से एक्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर ऑफ स्टेट को एम्पावर किया है कि कुछ सर्टेन मैटर्स में वो खुद से एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो अपनी मर्जी से असम स्टेट में अपनी गवर्नर पावर्स को यूज कर सकते हैं जो गिवन है पैरा 9 ऑफ द सिक्स शेड्यूल। आर्टिकल 239 सब क्लॉज 2 के अंडर गवर्नर एक्ट कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 371 के अंडर अलग अलग स्टेट के गवर्नर्स को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है जिसको फुलफिल करने के लिए उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब स्टेट में फेल हो जाती है तो गवर्नर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन। और अगर स्टेट इलेक्शन में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करती है तो गवर्नर किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बना सकते हैं। इन सभी मैटर्स के अलावा और जो भी मैटर्स होते हैं उसमें गवर्नर एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।